हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ईएस मेडिको। आज हम बात करेंगे सिरिंज की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे या सिरिंज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिरिंज होती है उसमें कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नीडल होती है जो सबसे आगे लगती है, ये फर्स्ट पार्ट होता है सिरिंज का। सेकंड होता है जो बैरल होता है जिसमें दवा डाली जाती है, और थर्ड पार्ट होता है पिस्टन होती है जिससे दवा बॉडी के अंदर डाली जाती है। ये तीन पार्ट होते हैं जो मुख्यतः। अब हम बात करेंगे सिरिंज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और नीडल की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिरिंज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो सिरिंज का आगे वाला पार्ट होता है जिससे दवा निकलती है और वहाँ पे आके नीडल कनेक्ट होती है, उस पार्ट को बोलते हैं एडेप्टर। अब बात करते हैं कि जो सिरिंज के अंदर जो बैरल होता है, अब बैरल का क्या काम होता है कि जो बैरल के अंदर जो दवा होती है या लिक्विड होता है जो बैरल के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि बैरल के अंदर जो ब्लैक नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्लंजर सील भी बोलते हैं। अब बैरल के ऊपर जो दो छोटे छोटे हुक नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बैरल फ्लैज बोलते हैं। इन बैरल फ्लैज का क्या काम होता है कि अंगुलियों के बीच में पकड़ने का काम होता है। अब बैरल के बीच में एक पिस्टन नुमा स्ट्रक्चर होती है। अब इस पिस्टन का क्या काम होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद जो दबाव लगता है या दवा डालने के लिए जो अंगूठे से दबाव देते हैं इस पिस्टन का, उसमें यूज किया जाता है। ये नॉर्मल सिरिंज की स्ट्रक्चर थी। अब बात करते हैं कि नीडल के बारे में बात करते हैं। जो आपके सामने डायग्राम है ये 22 नंबर नीडल का स्ट्रक्चर का डायग्राम है। अब बात करते हैं कि जहाँ पे अडेप्टर होता है, जो सिरिंज का अडेप्टर होता है उस पार्ट पे आके जो नीडल हग होता है ये आके वहाँ पे कनेक्ट होता है। जो नीडल का बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम साफ्ट भी बोलते हैं या कैनूला साफ्ट भी बोलते हैं, और जो नीडल का आगे वाला पार्ट होता है जिससे दवा निकलती है और ये बॉडी में या स्किन में सबसे पहले जाता है, इस पार्ट को बेवल बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि स्किन को अंदर से छेदता हुआ मसल में चल जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।